उल्टियों के जो कारण तो कई होते हैं, परंतु उनमें से कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि पेट और हमारी नाड़ियों में, मतलब विंस में ब्लॉकेज आ जाना, नाड़ियों में बंध लग जाने या उनमें किसी प्रकार का अवरोध हो जाना। तो आप नाड़ियों के अवरोधों को कैसे ठीक कर सकते हैं कि संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आराम से हो सके, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंच सके और प्रत्येक हमारे अंग और सेल तक ब्लड का फ्लो पहुंच सके। तो आएंगे अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें। अब आपने क्या करना है, सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटने पर रखें। ध्यान रहे कमर और गर्दन सीधी रहे। सीधे हाथ के अंगूठे से सीधे नासिका छिद्र को, राइट नोस्टल को पुश करें और लेफ्ट से श्वास को भीतर भरें और दोनों नासिका छिद्र को इस प्रकार पकड़ लें और श्वास को भीतर ही रोक के रखें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड रखें और फिर लेफ्ट नोस्टल को पुश करें, बाएं नासिका छिद्र को बंद करके राइट नोस्टल से एक्सहेल कर दें, फिर राइट से इनहेल करें, सीधे नासिका छिद्र से श्वास भरी और रोक लिया। इस प्रकार रोक के जितने सेकंड आप रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकें और फिर बाएं नासिका छिद्र से लेफ्ट नोस्टल से श्वास को बाहर छोड़ दें। इसी प्रकार फिर से बाएं से भर लें और फिर रोक कर दाएं से छोड़ दें। तो ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। अगर आपके अंग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं है, थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो इस प्राणायाम को करने से आपकी यह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी नाड़ी तंत्र अच्छा हो जाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही।